बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो अयोध्या में है, फैजाबाद में भी बोल सकते हैं उसको, तो उनके लिए हम 2022 में आने वाले क्वेश्चन लेके आए। बेटा इन क्वेश्चनों को आप याद करके 85% प्लस लेके आएंगे, मतलब 2022 में आने वाले क्वेश्चन है ये, और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक हमारा न्यू चैनल हमें अभी हाल ही में लॉन्च किया है, उसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पर टच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, खिलाड़ी भैया XYZ को। ओके, समझ रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखो बात करने वाले हैं BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए, फिजिक्स का हमारा ये सेकेंड पेपर है और फर्स्ट पेपर हमने पहले से अपलोड कर रखा है, ये सेकेंड पेपर है, सभी लोग ध्यान रखना और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। मैं आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है और मैं आपको वो बताने वाला हूँ, उन क्वेश्चनों को अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर टिक लगा लेना है, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ टिक लगवाऊँ वही क्वेश्चनों को पढ़ना है 2022 के एग्जाम के लिए, जो हाल ही में 25 अप्रैल से आपके पेपर होने वाले हैं। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखना है। देखो यहाँ बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ देखो आपको गॉस के नियम के बारे में और गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है, आपको इसको क्या बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको क्या कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा हर साल नहीं गया जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक है। सॉरी, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रवण किसे कहते हैं, इसको आप वैद्युत द्विध्रव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाएंगे, वैद्युत द्विध्रव और ध्रवण, वैद्युत ध्रवण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और वैद्युत विभव, ये जो चार मैंने पॉइंट से यहाँ क्लियर किए हैं चारों को अच्छी तरीके से रट लेना क्योंकि पेपर में यही आएगा और इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, ठीक है ना, आपको इन क्वेश्चनों को रट लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाना है, गॉस का सिद्धांत, एक थी गॉस की प्रमेय, एक होता है परावैद्युत माध्यम में गॉस का सिद्धांत के बारे में, तो गॉस के सिद्धांत के बारे में पढ़ लेना है। परावैद्युत ध्रवण की परिभाषा, कि परावैद्युत ध्रवण है उसकी परिभाषा आप किस तरीके से देंगे, ध्रुवणता होगी यहाँ, ध्रुवणता, ठीक है, ध्रुवणता की परिभाषा पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ ये वाला एम्पियर परिपथी परिमेय, ये भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछता है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में सदिश बी वेक्टर कल जो हाइडेंस के लिए छोड़ देना, कोई नहीं है, लेकिन ये जो बल आघूर्ण देख रहे हैं कि ऐसा पूछेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण के बारे में बताइए, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर जो बल आघूर्ण होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करने के लिए आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है चुंबकीय अदिश विभव के बारे में और चुंबकीय सदिश विभव के बारे में, दोनों विभव पढ़ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सवेल के समीकरण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने ऊपर बताई थी आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में वही गणना करने के लिए बोला गया है, वही पूरा क्वेश्चन यहां भी रिपीट हो जाएगा तो नीचे करने की जरूरत तो नहीं है। सतत समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतत्य समीकरण के नाम से जानी जाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएगा। अन्यून प्रयोग गुणांक और अन्यून प्रयत्व क्या होता है, इन दो अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रण के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को यदि आप टॉप करना चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप टॉप करोगे, मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो, मजाक नहीं है ये सीरियस है, मतलब समझो आपको लेना पड़ेगा, दिल से लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। उसके बाद में आता है चल कुंडली प्रमेय धारा मापी क्या होता है, इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में आता है चुंबकीयशीलता की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट है चुंबकीयशीलता की परिभाषा। उसके बाद में आता है चुंबकीय व्यवहार पर शर्तों के वितरण के बारे में, छोड़ दीजिएगा, और ये वाला क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए सेथल्य हाउस क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्वात में तरंगे की चाल किस तरीके से ज्ञात की जाती है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ऊपर दे चुका हूँ तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायु सेवेट के नियम को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आता है आपका गॉस के नियम से कूलाम का नियम आप कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब कूलाम का नियम आप किस तरीके से प्राप्त करने वाले हैं, ये भी मोस्ट है। आणविक ध्रुवणता के बारे में छोड़ दीजिए, क्यूरी का नियम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
स्वप्रथम गुणांक भी, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे स्वप्रथम गुणांक की परिभाषा। टेराइड क्या होते हैं इसको पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन बल में द्रव्यमान को छोड़ देना। लॉरेंज बल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद पैदल चुंबक की क्षेत्र ऊर्जा घनत्व डायड इसको छोड़ दीजिएगा। परावैद्युत स्थिरांक किसे कहते हैं, अब इसको पढ़ लेना एक बार, बस इतने क्वेश्चन है 2022 में आने वाले। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पेपर हैकर को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल, जो हमारा एक न्यू चैनल हमने लॉन्च किया है, नया चैनल जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।